दिस इज माई फेवरेट फोन राइट नाउ, इवन मैं पर्सनली भी ये यूज कर रहा हूँ। मैं अब आपको रेव करके दिखाता हूँ ऑडी आर8। On my last trip to Dubai, I spent 5 lakh rupees in 24 hours to see how much fun and luxury you can have. And aap logon ne us video ko itna pyar dikhaya that I decided to come back to Dubai and make even a more special video. तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ जिसके लिए दुबई सबसे ज़्यादा जाना जाता है, नन अदर देन सुपरकार्स फ्रॉम ऑडी Q8 एंड R8, रेंज रोवर स्पोर्ट्स, डॉज चैलेंजर, कॉर्वेट स्टिंगरे, लैम्बोर्गिनी हरिकेन and finally Lamborghini Evo. I will show you everything in this video. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, because it's gonna be the most interesting video I posted till now. What's up guys, welcome back to another video. आपने जो मेरी पहली मिलेनियर वाली वीडियो थी दुबई की, उस पर इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया दैट आई डिसाइडेड टू मेक अ पार्ट टू ऑफ इट। दिस वॉज द रीज़न आई स्पेशली केम टू दुबई। एंड इस बार की वीडियो में मैं आपको पिछली बार से भी ज़्यादा लग्जरी चीज़ें दिखाऊंगा, वेदर इज सुपर कार्स, फैंसी होटल्स, एवरीथिंग। अभी हम आए हैं हाफ डेजर्ट रोड में सुबह सुबह, इसके बाद हमें जाना है द शेरेटन ग्रैंड होटल में चेक इन करने, उनके लिमिटेड एडिशन एग्जीक्यूटिव स्वीट में। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। अब हम जा रहे हैं शेरेटन होटल में चेक इन करने, हमारा 11 बजे का चेक इन है, उन्होंने हमें अर्ली चेक इन ऑफर किया है। एंड जो रूम है हमारा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इट्स अ लिमिटेड एडिशन एग्जीक्यूटिव स्वीट विद अ स्काईलाइन व्यू। सो लेट्स सी शेरेटन का रूम कैसा होता है। लास्ट टाइम मैं एड्रेस स्काई व्यू में रुका था, उनका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, स्पेशली इन्फिनिटी पूल। सो देखते हैं कि व्हाट शेरेटन हैज टू ऑफर। अब मैं आपको रूम टूर देता हूँ। दिस इज़ दी एग्जीक्यूटिव स्वीट ऑफ शेरेटन ग्रैंड होटल दुबई। ये बिल्कुल शेख जायद रोड पे है। तो रूम में घुसते ही लेफ्ट साइड पे एक वॉशरूम है, नथिंग स्पेशल। एंड दिस इज़ द मेन लिविंग एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक इन्होंने यहाँ शैंडलियर टाइप लगा रखा है, दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस। तो आई थिंक ये लिविंग रूम ही जो यहाँ का एक नॉर्मल रूम है उससे बड़ा है। यू हैव द काउच, सम वॉकिंग एरिया मे बी, एंड नाउ वॉकिंग टूवर्ड्स the main bedroom. And by the way, you can close this. और ये है master bedroom, a really nice king bed. And सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि bed के बिल्कुल साथ में ये transparent washroom है with a really nice bathtub, but आप इसे close भी कर सकते हो if you want to. This is the washroom, a very nice bathtub. वही basic जो एक 5-star hotel में होता है, बहुत ही nicely decorated room है. And उसके अलावा shower and एक और washroom. तो मैं आपको सिर्फ एक quick room tour देना चाहता था. Now let's move on with the video. ये है शेरेटन का क्लब लाउंज। इस होटल में दो ब्रेकफास्ट होते हैं, एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट और एक जो क्लब मेंबर्स हैं सिर्फ उनके लिए। सो वी गॉट एक्सेस टू द क्लब लाउंज ब्रेकफास्ट। ये है इनका मेन्यू, एज यू कैन सी शेरेटन क्लब। आप इन सारी चीज़ों में से ऑर्डर कर सकते हो। आवर ब्रेकफास्ट इज हियर, मैंने ऑर्डर किया है स्क्रैम्बल्ड एग्स, चिकन सॉसेज एंड हैश ब्राउन। वेरोनिका गॉट द सेम, एंड वी ऑल्सो गॉट अ फ्रूट प्लेटर, एंड साथ में हमने ली हैं ब्रेड्स। इट्स गुड, शो मी, इट्स अ ब्लूबेरी मफिन। I don't know what is inside, but it's really tasty. Oh. Really good coffee. Yeah? Yeah. You never drink cappuccino, you always have Americano. Like, you know, I felt like cappuccino because in the morning I had Americano, so why not? Okay. How do you like driving Audi Q8? I like it. You can't really feel the speed in this car because it's very smooth. And this is the S line. This is the sporty version of Q8. So for you, which one was better, this one or Porsche Boxster GTS? I think you can't really compare. But for like daily driving, I think I would prefer that Porsche. Okay. This is too big for you. It's just smaller, so I think it'll be more convenient.
मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाई थी पोर्श बॉक्सर GTS, मैंने Q8 वापस कर दिया है, नाउ आई एम पिकिंग अप दी कॉर्वेट GT 2021. दिस इज द लेटेस्ट कॉर्वेट 2021 स्टिंगरे. इवन गाड़ी में साउंड सिस्टम भी बोस का है. एंड लुक एट द इंटीरियर्स. मैंने बहुत कम गाड़ियों के इतने ब्यूटीफुल इंटीरियर्स देखे हैं. बहुत ही पावरफुल कार है, मतलब रेस देती है, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी उड़ रही है हवा में. इट्स सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्स आई हैव ड्रिवन टिल नाउ. इसके बाद लैम्बोर्गिनी देखते हैं, बिकॉज लैम्बोर्गिनी इज इवन मोर पावरफुल देन दिस. आई होप यू लाइक कॉर्वेट. अभी लैम्बोर्गिनी हरिकन आने में आधा घंटा लगेगा, इतने के लिए मुझे दे रहे हैं ऑडी R8 जो पीछे खड़ी है. अब मैं आपको ऑडी R8 दिखाता हूँ लैम्बोर्गिनी से पहले. तो लैम्बोर्गिनी पिक करने से पहले एक बार मैं वेरोनिका को लेने जा रहा हूँ होटल से, बिकॉज शी ऑल्सो रियली लाइक्स R8. और मैं कॉर्वेट और R8 को कंपेयर करूँ तो आई थिंक R8 इज़ मोर पावरफुल. मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन रोड है दुबई के, यहाँ आप 100 से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते. तो मैं आपको एक बार रेव करके दिखाता हूँ गाड़ी. सो यू कैन सी हाउ पावरफुल दिस कार इज. वेरोनिका को पिक कर लिया है. आई रियली वॉन्ट टू शो हर दी R8. इट्स वन ऑफ हर फेवरेट कार्स, राइट? एंड अब हम पिक करने जा रहे हैं लैम्बोर्गिनी. आई होप लैम्बोर्गिनी विल बी रेडी बाय नाउ. उन्होंने बोला था कि आधे घंटे में उनके पास दो लैम्बोर्गिनी आएंगी. देखता हूँ कि मैं कौन सी चूज़ करूँगा. मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक हरिकन. अगर एवेंटाडोर अवेलेबल होगी तो फॉर श्योर एवेंटाडोर, वरना उनके पास लैम्बोर्गिनी हरिकन तो है ही अवेलेबल आज. दिस कार इज़ एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर. आई विश कि मैं शेख जायद रोड पे तेज़ चला सकता, बट दुबई में फाइंस बहुत ज़्यादा ह्यूज है. तो अगर आप सुपर कार रेंट करें तो कभी भी दुबई की मेन रोड पे तेज़ गाड़ी मत चलाना, अदरवाइज़ आपको 1-2 लाख के भी फ़ाइन पे करने पड़ सकते हैं. देर इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस जहाँ आप तेज़ गाड़ी चला सकते हो, वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पहले ही दिखा दी थी व्हेन आई गॉट दी पोर्श बॉक्सर GTS. सो वही एक जगह है, वहाँ आप जाओ. सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव है डाउनटाउन दुबई से, एंड वहाँ आप कितनी भी तेज़ गाड़ी चलाओ, दी ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी सेफ, क्योंकि कई बार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है. दीज कार्स आर रियली पावरफुल, और इफ़ इट्स योर फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सुपर कार तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. मैं अब आपको रेव करके दिखाता हूँ ऑडी R8. फाइनली द लैम्बोर्गिनी इज़ हियर. इट्स अ रेड लैम्बोर्गिनी हरिकन. अब हम यही लेके जा रहे हैं और मैं पूरी डिटेल में दिखाता हूँ आपको लैम्बोर्गिनी हरिकन. तो हम स्पेशली होटल गए थे थोड़ा फ्रेशन अप होने, एंड मैंने रेड टी शर्ट पहनी है बिकॉज द लैम्बोर्गिनी इज रेड. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट दिस लैम्बोर्गिनी इज कैपेबल ऑफ. I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like, here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? They wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get here any day now. Oh my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I've been running, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. सबसे अच्छी चीज लैम्बोर्गिनी की लगती है इसका स्टार्ट स्विच. अब मैं आपको रॉ टेस्ट करके दिखाता हूँ. रेडी?
Yes. आप देख सकते हो लैम्बोर्गिनी की पावर। तो इसका जो लोगो है बुल, वो एक रीजन की वजह से है, बिकॉज ऑफ इट्स पावर। हर लैम्बोर्गिनी में तीन मोड होते हैं, स्ट्राडा, स्पोर्ट एंड कॉर्सा। कॉर्सा सबसे स्पोर्टी मोड होता है अगर आपको गाड़ी सबसे ज्यादा तेज भगानी है, एंड स्ट्राडा इज फॉर द सिटी। लैम्बोर्गिनी का इंटीरियर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई स्पेसशिप हो, विद ऑल दीज बटन। फाइनली लैम्बोर्गिनी रिटर्न करके मैं इनसे पूछ रहा हूँ कोई SUV अवेलेबल है तो। आई रियली वॉन्ट टू ड्राइव एन SUV एट नाइट, सो लेट्स सी कौन सी गाड़ी अवेलेबल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद। तो लैम्बोर्गिनी वापस करके इनसे मैंने रेंज रोवर स्पोर्ट्स ले लिया। अब तो अभी हम जा रहे हैं लामेर बीच। पिछली बार मैंने आपको तीन बीचेस दिखाए थे, काइट बीच, जुमेरा बीच एंड JBR। ये वाला मैं आपको दिखाना भूल गया था, तो मैं अभी दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। पिछले 15 मिनट से हम यहाँ पार्किंग ढूंढ रहे हैं, सारी पार्किंग फुल है। पता नहीं इतने सारे लोग आज कहाँ से आए हुए हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर डिनर, उसके बाद देखते हैं। अगर वापस में यहाँ पार्किंग मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगा ये एरिया। इस वीडियो में मैंने आपको इतनी सारी सुपरकार्स दिखाई, फ्रॉम कॉर्वेट टू ऑडी R8, लैम्बोर्गिनी हरिकेन, रेंज रोवर स्पोर्ट। But now it's time to show you the most special car. I saved the best for the last, so let me show you in a second. This is the one. This is the Lamborghini Evo 2021. Let's take it for a spin aur dekhte hain ki Hurricane se kitna difference hai. आपको सारी स्पोर्ट्स कार दिखाई, फ्रॉम कॉर्वेट टू ऑडी R8, लैम्बोर्गिनी हरिकेन एंड देन फाइनली लैम्बोर्गिनी ईवो 2021। ये लैम्बोर्गिनी के बिल्कुल ब्रांड न्यू इंटीरियर्स हैं, लुक एट दिस पैनल। सो गाइस, डू टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस हरिकेन ईवो। इनके पास लैम्बोर्गिनीज, R8, ये तो सब है ही, बट आई थिंक बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं अमेरिकन मसल कार में। सो दे ऑल्सो हैव अ V8 डॉज चैलेंजर। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसकी पावर। एंड गाइज, दिस वॉज ऑल मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिम। ही इज़ द ओनर ऑफ VIP कार रेंटल। थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, हाउ आर यू? And it was a pleasure to work with you. It was an extreme pleasure for me. Don't forget to follow VIP car rentals on Instagram. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। That's so nice of Sheraton Hotel for providing us with this complimentary wine and some snacks for the night. Let me taste this wine. Actually, it's a really good wine. कल रात को हमारा इतनी बार प्लान चेंज हुआ। सबसे पहले हमने डिसाइड किया था हम जाएंगे लामेर या फिर द पॉइंट, बट लामेर जाने के बाद पता लगा कि वहाँ पार्किंग ही नहीं है। एंड एज यू नो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था दुबई इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट शॉपिंग। तो इस बार दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। मैंने 2 हफ्ते पहले एक नया लेंस लिया था, मैंने उस पर वीडियो भी डाली थी। इट वॉज़ दी कैनन EF 16-35 एंड ये है RF 15-35। क्योंकि मैं कैनन EOS R यूज़ करता हूँ, तो मुझे EF लेंस यूज़ करने के लिए अडेप्टर लगाना पड़ता था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट इन कंक्लूजन दिस इज अ वे बेटर लेंस फॉर मी देन द EF वर्जन। मैंने ये वाला लेंस यूरोप से इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इसका प्राइस पोलैंड में है 2,20,000 रुपये ओनली द लेंस, और यहाँ मुझे दुबई में 1,80,000 का मिल गया। दूसरी चीज़ है ये गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको। मैं तो पर्सनली आईफोन प्रेफर करता हूँ, बट आई बॉट दिस वन फॉर माई डैड बिकॉज ही वॉज यूजिंग अ रियली ओल्ड फोन। यह है मिस्टिक ब्लैक कलर। लुक एट दिस, वाओ,
दिस इज़ अ रियली गुड फोन अगर आपको एंड्रॉयड पसंद है, बट मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा फ़ोन के बारे में बिकॉज आई डोंट डू टेक रिव्यूज़। एंड लास्ट चीज़ मैंने ली है ये आईफोन 12 प्रो मैक्स 128 GB पैसिफिक ब्लू कलर, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट फ़ोन राइट नाउ, इवन मैं पर्सनली भी ये यूज़ कर रहा हूँ, बट आई गॉट दिस वन फॉर वेरोनिका क्योंकि वेरोनिका अभी तक नोट 10 लाइट यूज़ कर रही थी एंड उसका फ़ोन ऑलमोस्ट ख़राब हो गया था। यहाँ दुबई में आईफोन के प्राइसेस कंपैरेटिवली इंडिया एंड यूरोप से काफ़ी ज़्यादा चीप है, दैट्स वाई आई गॉट इट फ्रॉम दुबई। ये मुझे पड़ा 4000 दिरहम का एंड दिस वन वॉज 3800 दिरहम्स। तो ये थी थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने दुबई से ली। आई रियली होप यू इन्जॉयड दिस होल व्लॉग। I put a lot of effort to make this video, so thank you so very much for watching, and I will see you guys in the next video.